हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पांडा स्टोर के अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में। जी हाँ, अपकमिंग प्रोमो के बारे में। सो वेलकम टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, सो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोज पसंद आती है, सो प्लीज वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं प्रोमो की तरफ, ट्विस्ट की तरफ। आगे कल के एपिसोड में क्या होने वाला है उसके बारे में बात करते हैं। सो दोस्तों, जैसा कि हमने प्रोमो में देखा कि धारा की जो इनसिक्योरिटी है वो बढ़ती जा रही है अपने फेस को लेके, अपने आप को लेकर, और ऐसे में सुमन का इस सब चीज़ों में, मतलब सासू माँ का इन सब चीज़ों में एक तड़का टाइप का लगा है। मतलब उसने जो उसके आसपास कहीं ऐसी घटना हुई है जिसमें बीवी जो है प्रेग्नेंट रहती है तो उसका हस्बैंड जो है वो किसी और के साथ चला जाता है, इस टाइप का कुछ होता है। तो ये जो कहानी वो उस टाइम बताती रहती है जब सब बैठ के खाना खाते होते हैं, तो धारा ये सुन के और ज़्यादा, एक पहले से ही उसके मन में ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं और वो पहले से ही गौम्बी को ये बोलते हुए सुन लेती है कि चेहरा थोड़ा सा प्रेगनेंसी के टाइम पर डल हो जाता है, इसलिए क्रीम वो मंगवाता रहता है कृष्य। तो ये सारी चीज़ें सुन के वो ऑलरेडी परेशान रहती है और उसके दिमाग में ये सारी चीजें चलती रहती हैं। और जब ये एक तड़का टाइप का लगता है जब सुमन ऐसा कहती है, तो उसका दिमाग पूरा हिल जाएगा और फाइनली वो अब बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील करने लगेगी और वो गौम्बी की छोटी 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 चीज़ों पे ध्यान देने लगेगी कि वो क्या कर रहा है, क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है। और उसके बाद उससे काफ़ी ज़्यादा उसकी छोटी छोटी बातों में वो गुस्सा होने वाली है और सब कुछ, ये सारी चीज़ें हम लोगों को आगे के उसके प्रेगनेंसी के जो सिम्टम्स है उसके उसके ये सब देखने को मिलने वाला है। और कल के एपिसोड में फाइनली अब ये सारी चीजें सुन के धारा की इनसिक्योरिटी जो है उसका लेवल एकदम ज्यादा हाई हो गया है। अब वो गौम्बी के ऊपर शक करना शुरू कर देगी और गौम्बी जो है वो उससे संभालता हुआ नजर आएगा। ऑब्वियसली गौम्बी एक समझदार कैरेक्टर है जो कि हर चीजों को बहुत स्मूथली हैंडल करते हैं। सो इस बात को भी वो बहुत ज्यादा स्मूथली हैंडल करने की कोशिश करेंगे। वो धारा को काफी ज्यादा समझाएंगे, उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करेंगे ताकि वो उसके अंदर जो इनसिक्योरिटी है उस इन सब चीजों को लेकर और जो उसके दिमाग में सारी चीजें जो खिचड़ी पक रही है ये सब थोड़ा शांत हो पाए। वैसे भी उसके मूड स्विंग्स बहुत ज्यादा हो रहा है जिनकी वजह से घर के सभी लोग सफर कर ही रहे हैं। मतलब उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ कर रहा है और कभी वो गुस्सा हो जाती है, कभी इमोशनल हो जाती है, कभी वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। तो ये सारी चीजें सभी लोग देख रहे हैं और उनको सबको समझ में अब आ रहा है, सब जानने लगे हैं कि मूड स्विंग्स हो रहे हैं धारा के, तो इसलिए वो इस टाइप की बिहेव कर रही है। बट जहां तक रही दूसरी बात इनसिक्योरिटी की, तो अनीता जो है उसको ऐसा लगेगा कि वो अपने प्लान में सक्सेस हो रही है, बट धारा किसी और रीजन से ये जो सारी चीजें उसके आसपास हो रही हैं इन सब की वजह से थोड़ा इनसिक्योर ज्यादा हो गई है। लेकिन हाँ, बहुत ही जल्द ये जो चीजें हैं ये थोड़ी बढ़ेंगी, बट उसके बाद गौम्बी जो है ये सारी चीजें हैंडल कर लेंगे और वो धारा को समझाने में सक्सेस भी हो जाएंगे कि अरे ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। वो अपनी सारी बात उसे समझाते हुए नजर आएंगे और उसे बताएंगे कि ऐसा नहीं है, हर चीज जितना भी उसके दिमाग में होगा, जो हलचल चल रही है, सारी चीजों को सॉल्व करते हुए नजर आएंगे। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को प्रोमो क्लियर होगा, हो गया होगा कि आगे हम लोगों को इस प्रोमो में जो दिखाया गया है उससे रिलेट आगे स्टोरी क्या होने वाली है। ऑब्वियसली जो प्रोमो में दिखाया गया उससे रिलेटेड स्टोरी यही होने वाली है, तरह की इनसिक्योरिटी बढ़ेगी और उसके बाद गौम्बी उसे मतलब समझाता हुआ नजर आएगा, काफी ज्यादा केयर और सब कुछ जो कि बाकी लोग कर भी रहे हैं, गौम्बी भी कर रहा है। वो आगे और थोड़ा सा करना पड़ेगा उनको ताकि उसका जो मन में जो उसके वो हो गया है, एक चल रहा है युद्ध टाइप का कि सब लोग वो डल हो गई है, वो अच्छी नहीं लग रही है, उसका फेस डल हो गया, इस टाइप की जो चीज़ें चल रही हैं। और फिर उसका हस्बैंड उसका है, ये सारी चीज़ें वो गौम्बी जो है वो समझाते हुए नजर आएंगे और बहुत अच्छा हम लोगों को एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। जो लेडीज होंगी जो देखती होंगी उन्हें ये वाला फेस काफ़ी पसंद आएगा। सो आई होप कि प्रोमो क्लियर हो गया होगा और आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो सो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलती हूँ अपने अगली वीडियो में अपकमिंग ट्विस्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।